और हमने देखा लोग एक दूसरे पे बैट करते हैं कि यार मैं पाकिस्तान की टीम पे बैट लगाता हूँ कि ये जीतेगी। क्या हम अपनी जीत पे भी कभी कैन वी बैट ऑन आर सेल्फ टू विन, ये एटीट्यूड हम में आ सकता है एज ए स्टूडेंट कि यस आई विल डू CSS, आई विल ज्वाइन अ कंपनी एंड बिकम CEO ऑफ दैट कंपनी, आई विल लर्न 5 new skills दिस ईयर, आई विल रीड 5 new books दिस ईयर, आई विल मेक फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर बेटर देन मी इन कम्युनिकेशन, इन प्रेजेंटेशन, इन फाइनेंशियल हेल्थ, इन सोशल कनेक्शंस। सो कैन यू बेट ऑन योर सेल्फ दैट येस आई विल बी एबल टू मूव फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी इन द नेक्स्ट 5 years। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है वो बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन मेक अ लिविंग और डिजाइन अ लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यू जस्ट मेक योर लिविंग, यू डोंट नीड टू डिजाइन योर लाइफ, सो इट्स वेरी इजी, डू नथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज आपको समहाउ कुछ ना कुछ होके रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिंदा रहने के लिए जो काफी है। हमारे गांव में, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में हमारे कहते हैं ये रोटी रोजी कमाने के काबिल हो गया, बहुत है। मतलब इससे नीचे क्या है फिर, इससे नीचे तो कुछ नहीं है ना, डेथ है ना। सो मिनिमम लेवल पे जिंदा रहना भी कोई जिंदगी तो नहीं है ना। तो बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं ताकि हम दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकें। अगर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम दूसरों की ज़िंदगी कभी भी बेहतर नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल है, जहाज़ में आप में से कभी किसी ने सफ़र किया, आप में से किसी ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया है, पाकिस्तान में या बाहर? नहीं किया। अगर आप जहाज़ में ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे वो अनाउंस करते हैं कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क यूज करें, अपने मुंह पे पहने, इन केस ऑफ ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन इन द कैबिनेट, इन द कैबिन, और फिर दूसरों को हेल्प करें क्या अपना उनका ऑक्सीजन मास्क उनको पहनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने खुद मास्क पहनना है, खुद ऑक्सीजन लेनी है, खुद जिंदा रहोगे तो दूसरों को हेल्प करोगे ना। लेट सपोज मेरी अपनी तनख्वाह 20,000 रुपये है, मैं किसी की क्या हेल्प करूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपनी हेल्थ बेहतर करनी है, अपनी अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, अपनी मेंटल हेल्थ है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो बेहतर करनी है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, आप में से कभी आपने अपने गोल सेट किए, अपनी लाइफ के गोल सेट किए? यस सर। गोल से बताइए अपना, 2-3 गोल अपने शेयर करें अगर हमारे साथ। सर किस बेस पे बताइए, एजुकेशन के बेस पे? मतलब कोई भी आपने गोल सेट किए हैं अपने, कोई गोल शेयर करेंगे हमसे, 2021 के गोल अगर आपने बनाए हैं। अच्छा, 2021 मैंने अपना एक गोल ये सेट किया हुआ था कि मैंने एक बुक पढ़ना था जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, वेरी गुड। और दूसरा दूसरा गोल ये था कि मैंने जो अपने जो एक दूसरा बुक आ रहा था जो बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन ठीक है, सो हिम, ये दो बुक, ये गोल है जो मैंने 2021 तक। ठीक है, और कोई आपका गोल इसके अलावा? बस सर ये 2021 तक तो मैंने एजुकेशन बेस पे सिर्फ ही गोल सेट किए हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो मेरे और गोल्स भी है जो मैंने अपने खानदान और बल्कि अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? सर वैसे वो जो ऑलरेडी किसी एक ने बताया था कि मैंने सीसेस करना है, इन द सेम वे आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक इन दिस केस एंड टू बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड टू हेल्प द पीपल इन द वे व्हिच द गॉड गिव मी एबिलिटी टू एनरिच द पीपल बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन एज वेल।
गुड. सो आपने ये गोल कहीं लिखे हुए हैं? I have written these all these goals in my notebook, but it is not available here. But I'm in university. ठीक है, आपने लिखे हुए हैं, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट आपको पता है और आपने इनको बुक में लिखा हुआ है. ठीक है. यस सर. अभी मैं आपके सामने एक टेक्स्ट यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ स्लाइड में, ताकि आप इसको देख सको. ठीक है. याद रखें, गोल्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के गोल्स होते हैं, जैसे आपने भी थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली. नंबर वन पे जो आपके गोल्स आते हैं ना, वो आते हैं हेल्थ गोल्स. बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं है ना, तो बात ही खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते. दुनियावी चीजों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, दीन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे. तो हेल्थ गोल्स आपके वो गोल्स होते हैं जो आप सेट करते हो ताकि आप हेल्दी रह सको और अपनी बाकी चीजें कर सको. दूसरे नंबर पे, अच्छा, हेल्थ गोल से भी ऊपर, हेल्थ गोल से भी ऊपर एक गोल्स होते हैं फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, बट ये हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं. 30 मिनट्स में हमने ये कंप्लीट करना है सेशन. सो हेल्थ गोल्स से पहले आता है फाइनेंशियल गोल्स. एक बात बताएं, अगर आप अपनी हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज हेल्थ बेहतर करने के लिए सर, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी सर. ठीक है. एक्सरसाइज करना पड़ेगा सर. ठीक है. और जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है सर, वो टाइम टेबल सेट करना होगा सर. ठीक है. इनमें से कितनी चीजें हैं, मतलब पैसे चाहिए सर? सब चीजों के लिए आई थिंक पैसे चाहिए सर. इसका मतलब है फूड्स के लिए भी सर, एक्सरसाइज के लिए भी सर, और आरामदे सोने के लिए अच्छा बेड होना चाहिए सर. ठीक है. सो इसका मतलब कि फाइनेंशियल गोल्स ऊपर आ गए, तो इस सबसे पहले पैसे कमाएंगे. पैसे कैसे कमाएंगे? आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप कंसल्टेंट बने, आप जो भी काम करते हैं उससे आप कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, और उस अर्निंग से फिर आप अपने हेल्थ गोल सेट करेंगे. और वो पहले नंबर पे तो आप ये सोचेंगे कि आपको पैसे कितने कमाने हैं. फाइनेंशियल गोल्स में आप ये देखें, यार आपका खर्चा 5 लाख रुपए माना होना चाहिए, तब आप एक बेसिक लाइफ गुजार सकते हो. 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? क्या करना पड़ेगा? नौकरी कमेटी डालनी पड़ेगी, पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, साइड साइड बिजनेस करना पड़ेगा, कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, फाइबर पे काम करना पड़ेगा, या रिश्तेदारों से पैसे मांगने हैं. तो आपने फाइनेंशियल गोल्स जो भी सेट किए उसको अचीव करने का प्लान फिर बनाओगे. फिर आप हेल्थ गोल्स की बात करते हो कि हेल्थ ठीक करनी है. हेल्थ में आपने क्या गोल होता है? हेल्थ का गोल होता है मैंने 10 kg वेट कम करना है, मैंने 10 kg वेट बढ़ाना है, मैंने अपनी वेस्ट साइज कम करना है, मैंने अपनी हाइट बढ़ानी है, मैंने अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है, अपना स्टेमिना बढ़ाना है, मैंने मसल्स बनाने हैं, मैंने फिट रहना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जॉगिंग, वॉक, जिम, डाइट, सारी चीजें आ गई जिसके पैसा चाहिए. फिर आप कहते हो एजुकेशनल गोल्स. एजुकेशनल गोल्स, एजुकेशनल गोल्स क्या? आप कहते हो मैंने CSS करना है. अब CSS करने के लिए क्या पैसे नहीं चाहिए? MBA करना है लम से, 25 लाख रुपए चाहिए. UCP से 16 लाख, 12 लाख, समथिंग लाइक. तो आपको पैसे चाहिए अगेन एजुकेशनल गोल के लिए. अब एजुकेशनल गोल में आप क्या करोगे? लिखोगे MBA, PhD, whatever, जो भी आपका है. सो इसके गोल्स की लिस्ट अलग बनेगी. हेल्थ के गोल्स की लिस्ट अलग बनेगी. ठीक है. और इसी तरह एजुकेशन गोल्स की लिस्ट अलग बनेगी. फिर आपके आ जाते हैं सोशल गोल्स. सोशल गोल्स वो हैं जिसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, या खुद सोशल होने के लिए करते हो, दोस्तों के पास जाते हो, गैदरिंग करते हो, अभी भी किसी के घर बारबेक्यू डिसाइड कर लिया, कहीं दोस्त इकट्ठे बैठ गए. सो ये सब चीजें आप कर रहे होते हो. सोशल के बाद आ जाते हैं आपके रिलीजियस गोल्स. रिलीजियस गोल्स में आप कहते हो उमरा करना है, हज करना है, नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, इसके गोल सेट करते हो. मैंने इतनी ज़कात देनी है, मैंने इतना फितराना देना है, मैंने जो जो चीज़ें रिलीजन से रिलेटेड है उसके आप गोल्स अपने सेट करते हो. फिर आते हैं स्पिरिचुअल गोल्स. कहते हो मैंने स्पिरिचुअल पे ट्रेनिंग लेनी है, किताबें पढ़नी है. मैंने एक हफ्ता, जैसे लोग चिल्ला करने जाते हैं, ठीक है, मुसलमानों में हम लोग जाते हैं
चिल्ले पे या और ऐसी चीजों में, और दूसरे मजहब में क्या करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, बैठते हैं, अब मेडिटेशन करते हैं। सो रिलीजियस स्पिरिचुअल गोल में आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो इसकी भी आप जरूर लिस्ट बनाएं, ठीक है। फिर आप कहते हैं लेयर गोल्स। लेयर गोल्स में क्या है, मैंने इस दफा सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। सो ये आपके जो है वो गोल्स आ जाएंगे, लेयर गोल्स, ठीक है, ट्रैवल गोल्स आ सकते हैं। सो लेयर के अलावा और कोई इसमें आप हमें हेडिंग बताएंगे जो गोल्स में आ सकती है? क्यों जी, पार्टिसिपेंट्स में से निदा, आई थिंक दीस गोल्स कवर ऑल द स्पेसेस, आई थिंक। वेरी गुड। सो इस तरह से जब आप गोल की लिस्ट बनाओगे ना, हर हेडिंग के नीचे सब हेडिंग बनाओगे, फिर उनकी टाइमलाइन दो, ये करना कब है, मुझे 10 केजी वेट लॉस करना है कब, कितने टाइम में, एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, कैसे होगा उसका, फिर आप स्ट्रेटजी बनाओगे। जिम जाना है, पेमेंट करनी है जिम की, नहीं करनी, पार्क जाना है, डाइट प्लान लेना है, किसी से कंसल्टिंग लेनी है। सो इसी तरह सोशल गोल की, फाइनेंशियल गोल की, तो अगर आपने गोल बनाया कि आपको 1,00,000 रुपये पर मंथ कमाने हैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है किसी कंसल्टेंट को, मेंटोर को 5,000 रुपये दे के 1 घंटे का सेशन लेने में, जिसके बाद आप हो सकते इस काबिल हो जाओ कि महीने का 1,00,000 कमाने में कामयाब हो जाओ, 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीने में। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज मिल जाएं जिसकी बुनियाद पे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सको, ताकि बाकी गोल्स भी अचीव हो सके। सो दिस इज हाउ यू मेक अ लिस्ट ऑफ योर गोल्स एंड यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम कहते हैं इमेजिनेशन। एज ए स्टूडेंट अगर आप इमेजिन नहीं करते अपनी लाइफ को, सो प्रॉब्लम है। इमेजिनेशन को एक ऑथर कहते हैं, जो भी आप इमेजिन करते हैं और इमेजिनेशन में नजर आता है ना आपको, इट्स अ प्रीव्यू टू लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। योर इमेजिनेशन इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन येट। द थिंग्स विच आर नॉट सीन बाय यू आर बाय एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। यू आर द ओनली वन हु कैन सी इट, बिकॉज ये इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन में खुदा ने डाला है। इट्स एक्चुअली गॉड showing a preview of the coming attractions he has for you। जो जो चीजें खुदा ने आपके लिए आपकी जिंदगी में देने के लिए रखी हुई हैं, डिसाइड की हुई हैं, मैंने इसको गाड़ी देनी है होंडा सिविक, वो आपको दिखाएगा इमेजिनेशन। आप देखोगे और आपके पास ऑप्शन है, और नहीं नहीं ये तो नहीं मिल सकती मुझे, या आपको और यस ये गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, कैसे हो सकती है। जब आप ये पूछोगे कैसे हो सकती है, आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। मुझे MBA करना है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो गांव में रहता हूँ, शहर तो इतनी दूर है, मेरे पास तो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। दूसरा ऑप्शन, हाँ मुझे करना है, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपका दिमाग, कुदरत, खुदा अपना काम करेगा, उस सवाल पूछने पे आपको जवाब देने लग जाएगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। सो इमेजिनेशन इज द पावर, व्हाई आई एम हियर, इट्स पार्ट ऑफ गॉड्स अल्टीमेट प्लान फॉर यू एंड मी। आप इस सेशन में क्यों हैं, मैं क्यों, ये खुदा का प्लान है, हमें मिलाना, हमें एक दूसरे से बात कराना, आपसे मैं सीख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ सीखोगे। सो इवेंचुअली ये सब चीजें आपके करियर जर्नी का प्लान है, जो आपने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया, आप उसको निभा रहे हो। डिजाइन योर लाइफ, जब भी आप अपनी लाइफ को डिजाइन करने की बात करोगे, सो आपके ऊपर अफेक्ट करेंगे 5 फैक्टर्स। नंबर 1, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, मेरे तो शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे शहर में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, मैं नहीं ये कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ, हाँ लाहौर में मैं रहता हूँ, मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन्वायरमेंट का पॉजिटिव अफेक्ट आ गया, किसी और पे नेगेटिव आ गया जिसके पास नहीं है। इवेंट्स, बाज लोग पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स नहीं होते, तो एक ऐसा इवेंट है जिसने उसको प्रॉब्लम में धकेल दिया। बाज लोग पैदा होते हैं और वो अमीर घराने में पैदा होते हैं, का ये इवेंट पैदा होना एक अमीर घराने में उनके लिए अच्छा साबित हो जाता है। नॉलेज आपके पास है तो आपके फायदे का है, आपके पास नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स, जो काम आप करते हो उसका रिजल्ट इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। अच्छा रिजल्ट अच्छा इफेक्ट करेगा, नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव इफेक्ट करेगा।
ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चार चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आवर व्यू ऑफ द फ्यूचर, आवर ड्रीम्स। हम अपने फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? क्या डल देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, या हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं? जैसा हमारा व्यू होगा हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे ड्रीम्स के बारे में, वैसी ही हमारी लाइफ बनने लग जाएगी। ऑफ ऑल फाइव ऑफ देम, मेक श्योर दैट योर ड्रीम्स आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर डेली डिसीजंस एंड एक्टिविटीज। मेक श्योर दैट द ग्रेटेस्ट पुल ऑन यू इज द पुल ऑफ योर फ्यूचर। वो जो व्यू है आपका फ्यूचर का, वो आपको पुल करे अपनी तरफ, इतना उसको सक्सेसफुल और पॉजिटिव और इतना उसको पैशनेट तरीके से आपने इमेजिन करना है। और फिर उस इमेजिनेशन को टर्निंग इनटू रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने एफर्ट करनी है, तब जाके वो पुल भी उसका ज्यादा होगा और आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। जब आप अपनी लाइफ डिजाइन करने की बात करते हो तो एक है एप्रीहेंशन, अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा, खुदा ठीक करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और दूसरा है एंटिसिपेशन, खुदा अपना काम कर रहा है, मेरे जिम्मे क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छी जॉब ढूंढनी है, मुझे अच्छा प्रोफेशन चूज करना है, मुझे अच्छे शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है, कैसे करनी है, इस तरह करनी है। सो आप एंटिसिपेट करते हो, व्हेन यू हैव प्लान्ड द फ्यूचर यू गेट एक्साइटेड अबाउट इट। इन दिस वे योर फ्यूचर विल कैप्चर योर इमेजिनेशन। यू मस्ट हैव गोल्स, गोल्स आर लाइक द मैग्नेट। वही फ्यूचर जिसको आपने इमेजिन किया है मैग्नेट की तरह आपको अपनी तरफ पुल करेगा और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। एक बात याद रखें, हम अपनी लाइफ में डिलीट बटन बिल्कुल यूज नहीं करते, भूल गए हैं इसको यूज करना और इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बेहतरी आए तो आपने इस बटन को बहुत ज्यादा यूज करना है। वो सारे फ्रेंड्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उनको डिलीट कर दो। वो फैमिली मेंबर्स जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बजाय बेहतरी आने के लॉस हो रहा है, उनके साथ कम कर दें कनेक्शन, कट नहीं कर सकते ना। वो एक्टिविटीज जो आप करते हैं और आपकी लाइफ खराब हो रही है, लेट सपोज स्मोकिंग, लेट सपोज पान, लेट सपोज फारिग रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट सपोज बुरी महफिल में उठना बैठना, ठीक है, अनऑर्गेनाइज लाइफ गुजारना, टाइम टेबल की पाबंदी ना करना, इनको डिलीट कर दें अपनी लाइफ से ताकि आप बेहतर चीज उसमें ऐड कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सही करने का एक और तरीका भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त ऐड हो, अच्छे दोस्त, तो कैसे ऐड हो? लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं अगले साल किताबें पढ़ूंगा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता किताबें पढ़ने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता नए दोस्त बनाने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता नई हैबिट्स बनाने के लिए। उसकी वजह क्या है? हम ऑलरेडी ना हमारा कप भरा हुआ है कॉफी से, हमारा ग्लास भरा हुआ है पानी से, उसमें जगह ही नहीं है ना नए दोस्तों की, ना नई किताबों की, ना नई चीजों की, ना नई हॉबीज की। पहले कुछ खत्म करो अपनी लाइफ से। क्या? स्लीप टाइम कम कर लो, अगर कुछ और नहीं करना। वो दोस्त जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उनके साथ उठना बैठना कम कर दो। वो फिल्में, वो ड्रामे जो आप देखते हो और उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, उल्टा स्ट्रेस आती है, उनको कम कर दो। वो हॉबीज जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही उनको खत्म कर दो। तो ऐसा करने से डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का टाइम बफर मिल जाएगा। अब उस टाइम में आपका दिमाग, क्योंकि आप पॉजिटिव आदमी हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो आपका दिमाग कहेगा अच्छा मैं किताब पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्या आप पॉजिटिव हो? अगर नेगेटिव हो तो आपको कहेगा अच्छा ये काम गलत काम कर लो, वो गलत काम कर लो। पहले जगह बनाओ, फिर उस जगह में पॉजिटिव चीजें ऐड करते रहो। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। 2013-14 में मैंने क्लब बनाया था, रोटरी क्लब। मैं प्रेसिडेंट बन गया, 20 लोग और थे उसमें, बिजनेसमैन भी थे, जॉब वाले भी थे। उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गया, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट, हर फ्राइडे को मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग्स, कभी मूवी प्लान हो रहा है, कभी कॉफी पे जा रहे हैं। फिर मैंने लॉयंस क्लब बना लिया, उसमें ऑक्यूपाइड, फिर DHA क्लब में बैठना शुरू कर दिया। मैंने तीनों चीजें बंद कर दी 2 साल पहले, बंद कर दी, तो मेरे पर टाइम बच गया। इतना टाइम बच गया, मैंने पार्क जाना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, मैंने अपनी डाइट को फोकस किया, मैंने बुक रीडिंग शुरू की दोबारा से, मैंने अपनी ट्रेनिंग के बिजनेस को टाइम देना शुरू किया।
सो मैंने देखा 2 सालों में मैं इतना ग्रो कर गया हूं, मैं पिछले 5 सालों में नहीं किया। सो पहले जगह बनाओ, फिर चीजें ऐड करो, और वो फिर आपको आपके लिए बेहतर लाइफ इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हो। व्हाई डिड यू वेक अप टुडे, ये बात याद रखें। अगर आपका इस दुनिया में मकसद खत्म हो चुका होता तो आज सुबह आप ना उठते, खुदा आपको कभी भी आज ना उठाता। अगर आप आज सुबह उठे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, कल फिर उठोगे, इसका मतलब खुदा ने अभी आपसे कुछ काम लेना है, जो आपको मौका दे रहा है रोज जिंदा बचने का, जिंदा रहने का, हेल्दी रहने का, लोगों से मिलने का। इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत करो, इसको जाया करोगे तो ये वापस नहीं आएगी। जिन्होंने ये सेशन नहीं अटेंड किया उनके लिए भी ये सेशन दोबारा नहीं होगा। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको चाहिए कि आप इसको सीरियस लें और इससे बेनिफिट लें, ना कि इसका कोई आप उल्टा नुकसान उठाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नो सॉरी, सर सेशन क्लोज है आपकी तरफ से? हाँ, बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए 10 मिनट और चाहिए। ठीक, एक लास्ट स्लाइड में आपको ना बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। आपको ये नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर, नजर आ रही। यस सर, नजर आ रही। तीन तरह की स्किल सेट्स चाहिए होते हैं आपको अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। सर ये दिखाई नहीं देता। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीन तरह के स्किल सेट्स जहाँ पे मैंने लिखे वो उल्टा लिखा जा रहा है। सो मैं आपको बता दूँ, याद रखें जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें तीन तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। नंबर वन पे है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल क्या है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना टेक्निकल स्किल, ऐसा है ना? गाड़ी चलाना टेक्निकल स्किल है, जहाज चलाना टेक्निकल स्किल है, टेलीफोन ऑपरेट करना टेलीफोन ऑपरेटर टेक्निकल स्किल। सो एक तो आपको ये टेक्निकल स्किल चाहिए होते हैं। ये टेक्निकल स्किल अगर आपके पास है तो आप बेसिक लेवल की जॉब कर सकते हो, बुनियादी, फ्रंट लाइन, जूनियर। अगर आप चाहते हो कि इससे ऊपर जाएं तो आपको कौन सी स्किल चाहिए? ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल क्या है? ज्यादा लोगों को हैंडल करने की स्किल, टीम को हैंडल करने की स्किल, एक डिपार्टमेंट को चलाना उसकी स्किल। सो आपको ह्यूमन स्किल्स चाहिए जहां आप एज ए मैनेजर काम कर सको। और अगर आप इससे भी ऊपर जाते हो तो फिर आपको जो स्किल्स चाहिए वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स वो होती हैं जहां आप कंपनी का विजन सेट कर सको, जहां आपको पता है कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने और लीडर्स चाहिए, कितने और टीम मेंबर चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे उस कंपनी को अच्छा रन करने में। सो आप इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे जाके मुल्क चला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे जाके आप बड़े इदारे चला सकते हैं। सो आपने सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं सीखनी, आपने ह्यूमन स्किल्स भी सीखनी है, आपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी सीखनी है। उसके लिए नेटवर्किंग करें, अपने से बेहतर ज्यादा पढ़े लिखे काबिल लोगों में, अपने से ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल, सोशली स्टेबल, साइकोलॉजिकली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें और उसकी मदद से आप ये स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछे, फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। सर, मैं आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी सर, बाज़ औक़ात सर जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं सर, तो हमारे पास अपने अल्फाज में सर वर्डिंग होती है, आइडियाज़ होते हैं,
तो हम लोग कंपोज नहीं कर पा रहे होते कि इसको किस तरह कंपोज करें एक प्रॉपर इंग्लिश वर्डिंग में, और ताकि वो इफेक्टिव वर्डिंग में कन्वर्ट हो जाए सर. ठीक है, सो इट्स वोकैबुलरी का इशू आ जाता है कि आपको वो राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे होते जिनकी एप्लीकेशन वहां चाहिए. उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है. आप और लोगों का काम देखें उस टॉपिक पे जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, वो देखें, वहां से हेल्प ले लें, किसी बुक से रेफरेंस ले लें. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मुझे एक दोस्त ने बुक गिफ्ट की, उसका नाम है फिजिकल इंटेलिजेंस. फिजिकल इंटेलिजेंस किताब जब मैंने पढ़ी तो उससे पहले मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी. उस बुक की प्राइस है 2700 रुपीज. सो मैंने उसको पढ़ा, मुझे लगा कि ये बुक के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन को मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊं तो मेरी हेल्थ बेहतर हो जाएगी. मैंने उसको अप्लाई किया. मैंने अप्लाई किया तो मैंने अपना 5 से 10 kg वेट लूज किया. मैंने उसकी वजह से अपना वेस्ट साइज कम किया. मैं फिजिकली बेहतर हो गया. मैंने अपनी डाइट ठीक की, मैंने अपनी वॉक को स्केड्यूल किया डेली. सो मैं बेहतर हो गया. अब मैंने क्या किया कि उसी बुक को प्रेजेंटेशन की शक्ल दी, तो उस बुक से मुझे वोकैबुलरी मिल गई सारी. उस बुक को लिखने वाली ऑथर्स USA में बेस्ड है, उनकी कंपनी का नाम है कंपनीज इन मोशन. मैंने उनके लेक्चर सुने YouTube पे, सो मेरी वोकैबुलरी और बेहतर हो. मैंने जब वो कोर्स डिजाइन कर लिया और अपनी सेहत पहले से बेहतर कर ली 2 महीने में, तो मैंने एक कंपनी है यहाँ पे सेंचुरी पेपर मिल्स, उनको कहा कि ये एक दिन का लेक्चर आपके इंजीनियर्स को मैं डिलीवर करूंगा और 1,00,000 रुपये आपसे चार्ज करूंगा. तो आपके इंजीनियर्स में ये क्वालिटीज आ जाएंगी जो मैंने खुद अचीव की है. ठीक है, आप इमेजिन करें कि इस एज में 40 की एज में आपकी हाइट बढ़ जाए आधा इंच, पॉसिबल है. बिकॉज जरूरी नहीं कि हाइट ग्रो करके बढ़े, आपका पोस्चर जैसे सीधा होने से, कमर की हड्डी सीधी होने से भी आपकी हाइट बढ़ सकती है, बेहतर हो सकती है. तो बेसिकली अभी मैं जैसे आपके सामने स्ट्रेट बैठा हूँ, आमतौर पर हम इस तरह बैठते हैं. ठीक है, तो आप बैठने का पोस्चर ही ठीक कर लें. उस बुक में लिखा हुआ स्ट्रेट बैठें, अपनी गर्दन सीधी रखें. सो मैंने जब वो लेक्चर उनको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है. मैं वहां गया, मैंने एक दिन पढ़ाया और उसे 1,00,000 रुपये चार्ज करे. सो आप समझते हैं कि किताब में पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों के लिए यूजलेस है, उससे मैं अपनी जिंदगी बेहतर कर रहा हूँ, उससे पैसे अर्न कर रहा हूँ. आप भी कर सकते हैं. जो लैंग्वेज की बात है वो प्रैक्टिस से आएगी. प्लस एक सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ अपने लैपटॉप में भी और फोन में भी, उसका नाम है ग्रामरली. ग्रामरली में जो फ्री वर्जन है उसके अंदर वो आपके फिक्रे सही करा देता है. इवन प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग की मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, वो सही करा देता है. सो उसकी प्रैक्टिस करें. प्लस आर्टिकल लिखें, डिफरेंट आर्टिकल लिखें डिफरेंट टॉपिक पे. आसान आसान, कोई आपने स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी को पहले पूरा कॉपी पेस्ट करें, उसके नीचे अपने लफ्जों में उसको नरेट कर दें और फिर किसी को भेजें उसको प्रूफ रीड करने के लिए. तो अपनी प्रैक्टिस करें इस चीज़ की. ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें. किताबों में जो वोकैबुलरी लिखी होती है उसको याद करने की कोशिश करें, उसको यूज करने की कोशिश करें. हर मालूमात दुनिया की अभी इंटरनेट में मौजूद है. आप कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हो, सीख सकते हो, जो आप सीखना चाहो. मतलब मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कोरल ड्रा पे काम कर सकता हूँ, फोटोशॉप पे कर सकता हूँ, इलस्ट्रेटर में कर सकता हूँ, पावर पॉइंट, की नोट, आउटलुक एक्सप्रेस. हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जॉब के लिए बच्चे, हम उनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आता है आपको जिसपे कमांड है, कहते हैं किसी पे भी नहीं. तो क्या हो सकता है, ये तो आसान है ना. सो हमारे पास अभी 10 मिनट 9 मिनट रह गए ये सेशन एंड होने में, तो आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लीजिए, फिर इसको क्लोज कर. थैंक यू सो मच सर. ये सर, सर कैन सर मी इशारा दऊ. तो आपने अपने WhatsApp को और अपने सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज करना है. अपने नाम से करें, अपनी सोशल मीडिया पे प्रॉपर फोटोज लगाएं, पूरा प्रोफाइल बनाएं. शाहरुख दाऊद कुछ बोलना चाह रहे थे. शाहरुख आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर. इन प्रेजेंटेशन, यस सर, सर इन प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इसको मतलब स्किल्स को भाई उसको याद रखने के लिए, आप हमारे लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहो या कोई ऐसी नोट्स हो जिसको हमें याद रहते हैं कि ये स्किल्स सर ने हमें कहे थे और इसको हम रोजाना प्रैक्टिस करें.
ये प्रेजेंटेशन कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिस सायरा या मैं भेज देते हैं पहली चीज, सो उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें, फाइवर पे अकाउंट बनाएं, कोशिश करें वहां पे आपको काम मिल जाए और आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर पाए, प्लस नहीं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और हम आपको प्रेजेंटेशन का कुछ काम एज एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट देते हैं और आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाने में प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं, वैसे काम वैसे नहीं आएंगे जब तक आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। डेटाबेस बनाना ये एक स्किल है, प्रेजेंटेशन के अंदर कंपाइल करना है, ग्राफ चार्ट्स बनाने स्किल है, हम आपको प्रैक्टिकल काम देते हैं जो आप घर बैठ के करें, हफ्ते में एक दिन जूम मीटिंग पे आ जाएं हमारे साथ, उसकी रिवीजन कर लें, उसके ऊपर हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे करना है, फिर आप चार दिन काम करें घर बैठ के, पांचवें दिन फिर जूम मीटिंग पे आ जाएं। सो मतलब इस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप जिस भी शहर में हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से आप ना सिर्फ काम सीख सकते हैं बल्कि आप अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो 3 महीने की ट्रेनिंग ले लें हमारे साथ, उसके बाद फिर आप खुद इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है। ये सर थैंक यू सर, हमारे फिर आएंगे ना फ्यूचर में सर, हमारी वेबसाइट पे लिस्ट है, आप सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे, आप सिर्फ आज के इस सेशन का रेफरेंस देके हमें कांटेक्ट करें कि इस सेशन में आपने एनरोल होना है, हम आपको जूम के थ्रू एनरोल कर लेंगे, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के वो सारे प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये बड़ी जबरदस्त ऑफर है हमारे स्कॉलर्स के लिए, ये बिल्कुल इस स्टेज पे, क्योंकि अभी कोविड में वैसे ही क्लासेस वगैरह फिजिकल तो शायद है नहीं या आगे नहीं होंगी, तो बड़ा अच्छा होगा कि अगर ये लोग ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा साथ साथ कमाना भी शुरू कर दें, इंटर्नशिप लें, और उसके बाद तो ये सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे आप लोग वर्किंग करें और इस ऑफर को अवेल करें। बाकी सर बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है सर से? सर मेरा क्वेश्चन है सर, जी सलमान, सर मेरा फाइवर पे अकाउंट है सर, लेकिन मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ सर, मैं पहले एक दोस्त के साथ काम करता था, अभी मैंने एक हफ्ता हुआ अपना अकाउंट बनाया हुआ है सर, लेकिन सर मैं अभी चाहता हूँ कि मैं दूसरा एक गिग बनाऊँ, तो मैं एक दूसरा एक गिग बना सकता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए सर? बना सकते हैं उसी अकाउंट में सर, या उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा सर? नहीं उसी अकाउंट में बना सकते हैं, मैंने 2 गिग बनाए और मैंने तो बनाए थे बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए, मैं अपना फाइवर का अकाउंट बोले तो दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, दिखा दूं जल्दी से? 6 मिनट है हमारे। यस सर प्लीज, यस सर दिखा दे प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। ये मेरा अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैं गिग्स पे जाता हूँ, ये देखिए तो ये कितने गिग नजर आ रहे हैं आपको सर? 2 गिग्स है सर। तो आप भी बना सकते हैं, आप मेरे ही गिग को कॉपी पेस्ट कर लें, जो मैंने ये बनाया हुआ प्रेजेंट इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, आई विल क्रिएट। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर, जी स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है सर। अच्छा आपका फिर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, मैं वेट करते हैं शायद थोड़ी देर में नजर आ जाए आपको, वैसे स्क्रीन विजिबल है बाकी लोगों को, आप करके ये लें दोबारा कर दिया, आप देखिएगा। ओके सर, सर ये मेरे पास मेरे ख्याल में नेट में इशू है, आप देखिए। तो आप बना सकते हैं एक से ज्यादा की और इसको सीखें, देखें दुनिया में इसमें आप मतलब आप ऐसा, कल की बात है, कल एक प्रोजेक्ट मुझे किसी ने कहा था, मैंने इसको $400 की ऑफर दी है, $400 का पत्ता मतलब है 70,000 रुपीज, सो 70,000 रुपये का काम मैं 5 दिन में उसको मैंने कहा मैं करके आपको दे सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, आप घर बैठे आपके पास स्किल है और आप पैसे भी कमा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, इसी तरह आप कंपनी बना लें। सियालकोट का लड़का सर,
वो प्रोजेक्ट उठाता है और आगे और हमारे जैसे लोगों को देता है, आधे पैसे खुद रखते हैं आधे आगे दे देते हैं, वो खुद काम नहीं आता उसे, तो वो कंपनी चला रहे हैं सर जी। सर फाइवर पे सर ज्यादा इजीली सर हम क्लाइंट काम ले सकते हैं या अपवर्क पे सर? दोनों पे है, मुझे अपवर्क का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने तो ये 3 महीने पहले इसको शुरू किया, तो आप दोनों पे बनाएं देखें। असल में फायदा वो क्या होता है, करके देखें, मेरी बात पे ना जाए, करें और करके तो फिर सीखें और फिर उसको जो आपको बेहतर लगता है वो ऑप्शन यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सारे प्लेटफॉर्म ठीक है, बुरा कोई नहीं। यस सर। सर सर आपने जो कोर्सेज की बात की सर, तो वो कोर्सेज सर हम कैसे ले सकते हैं सर, उसकी लिंक हमें मिलेंगे सर? आपको ना ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको अभी मैं लीव करने से पहले वो मिस सायरा की इजाजत से शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स और जो प्रेजेंटेशंस मैंने दिखाई हैं, ये पावर पॉइंट में कन्वर्ट करके ना सारी प्रेजेंटेशंस और वो डॉक्यूमेंट आपको आज इस सेशन के बाद शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया, आप अगर चाहें तो सेव करके मुझे उस पर SMS कर दें, मैं आपकी एक ब्रॉडकास्ट बना देता हूँ इस सेशन को अटेंड करने वाले सारे स्टूडेंट्स की, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे सबको जो भी डिटेल फ्यूचर में भी आएगी ट्रेनिंग की भेजते जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर एक लिस्ट बना लें, नाम पूरा और व्हाट्सएप नंबर ये पार्टिसिपेंट्स की, और वो मुझे कोई एक स्टूडेंट मुझे भेज दे, मैं उन सबको फिर ये डाटा आपको अभी भी और फ्यूचर में भी भेज दूंगा। No problem. ठीक है सर, I will do it. ठीक है, very good. So, बहुत शुक्रिया आप सबका साथ देने का, कोशिश की हमने म्यूचुअल लर्निंग करें और इसी तरह ही सीखते हैं सब, और जहां पे भी आपको जरूरत हो हमारी सपोर्ट की हेल्प की, बगैर झिझक बगैर शर्माने के आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, फोन करें व्हाट्सएप करें, सो इंशाल्लाह ताला हमारी सपोर्ट आपके साथ है। इस एजुकेशन का जो आपका दौर है उसमें भी आप कामयाब हो, हमारी दुनिया के आप आगे अपने करियर में भी कामयाब हो, लेकिन स्किल के बगैर कोई लाइफ नहीं है कॉर्पोरेट। एक्सक्यूज मी सर, वी आया सर, मे वी हैव योर ईमेल? मैं अपना ईमेल एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दूं चैट में जहां पे हम सब कनेक्टेड हैं? यस सर, इट इज बेटर, इट इज बेटर। आपको IDEATrainings.com ये लीजिए, ईमेल मैंने शेयर कर दिया, नंबर आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, सो मिस सायरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऑर्गेनाइज किया सब चीजें। थैंक यू सो मच, आपने काफी कोऑपरेट किया मेरे बीच में, जाहिर है इंटरनेट के या कोई ना कोई इशू आ जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है, तो सर थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज, स्टूडेंट्स की भी पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त रही है। मैं व्हाट्सएप पे भी स्टूडेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही हूँ, तो कल की निस्बत आज काफी बेहतर है और उम्मीद है इंशाल्लाह कल मजीद बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और स्टूडेंट्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आज और बड़ा मजा आया बल्कि ये सेशन लेते हुए। आपके साथ ग्रुप फोटो नहीं बन पाएंगे हम, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो ग्रुप फोटो नहीं हो सकती, बाकी ये के लिए अच्छा सेशन रहा, मजा आया, और इंशाल्लाह ताला जल्दी सेल्फी ले सकते हैं सर हम? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर जो शो करना चाहें।